इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल। नदरीन अकराम, आज हम एक विलेज में मौजूद हैं। अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि आज हम कहाँ मौजूद हैं। ये बताएं कि आज ये औरतें इकट्ठी हुई बैठी हैं यहाँ पे, आज हम कहाँ पे मौजूद हैं, किस विलेज के अंदर? खानपुर, बस्ती खानपुर। जी हाँ। तो यहाँ पर इतनी औरतें हैं इसी विलेज के अंदर? जी हाँ। ये सारी गरीब हैं? सारे गरीब हैं। अच्छा, बट्टों पर काम करती है, मतलब ईंटें वगैरह बनाती है? जी हाँ। मजदूरी करती हैं? मजदूरी कर रही हैं। सारे बेवाइन वाला तो इनको कौन सी परेशानी है जो कि यहाँ पर इकट्ठी हुई बैठी हैं, इनको क्या वजह है? परेशान है तो रमजान है, मतलब राशन की जरूरत है, इसलिए इकट्ठी हुई है। जी हाँ। रमजान करीम में राशन की जरूरत है इनको? जी हाँ जी, राशन की तो सारे जितने हैं परेशान, राशन। तो मेरी माओ बहनों, आप जितनी बैठी हो, आप सारी माँ रमजान में रोजे रखती हैं? तो अगर आपको राशन दिया जाए तो आप आसानी से रोजे रख सकेंगी? तो आप काम कौन सा करती हैं? मजदूरी करती हैं। मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो महंगाई इतनी ज्यादा है, आसानी से घर के अंदर बच्चों का पेट पाल जाता है? मुश्किल होती है। अल्लाह पाक आसानियां फरमाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? ठीक है। क्या गुजरान थी पेके में बैठे हुए? राशन पानी वास्ते बैठे। अच्छा, राशन मिल बने था वाल क्या करे सो? ठीक ही है। शुगर की मरीज है, गरीब बनते हैं तो मामा कोई काम नहीं। अच्छा, अल्लाह करे सी रोजे रख सो, दुआ करे। सही है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह पाक मेरी माँ आसानियाँ फरमाए। तो देख सकते हैं ये इन हमारी माओ बहनों के हालात हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये हमारी माएँ बहन हैं, कैमरे की तरफ इसलिए फेस करें क्योंकि मजबूरियाँ हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब लोगों का पेट पालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। तो मेरी आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस माह मुकदस के अंदर इन हमारी माओ बहनों को, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर विंडोज़ औरतें बैठी हैं जिनका कमाने वाला बिल्कुल भी कोई नहीं है, बेचारी बेवा औरतें हैं और अक्सर जो बैठी हैं कुछ इनमें से तलाक़ याफ्ता भी हैं, तो ज़्यादातर इनमें से बेवा औरतें हैं, किसी का कमाने वाला नहीं है। अगर कोई कमाने वाला है तो महंगाई आप खुद देख सकते हैं। इस माह मुकद्दस के अंदर अगर आप हसब तौफीक हैं, जो कि अल्लाह पाक ने आपको हलाल रिज़्क दिया हुआ है, उस हलाल रिज़्क में से अगर हमारी इन माओ बहनों की ख्वाहिश पूरी होती है, ये हमारी माएँ बहनें रोज़ा रखती हैं, तो ये आपको दुआओं में याद रखेगी, क्योंकि इनके पास इतना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनकी कोई जायदाद वगैरह नहीं है कि ये आसानी से घर में बैठकर रोजे रख सकें। ये हमारी माएँ बहनें मजदूरी करती हैं, कोई घास काटता है तो कोई ईंटें बनाता है भट्ठों पर। ये हमारी जो बूढ़ी माएँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी सिस्टर बैठी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल देख रही हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो इंशाल्लाह ये खानपुर की बस्ती है, ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ के गाँव है ये खानपुर। तो यहाँ पर ये तमाम औरतें रहती हैं। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें तो आप यहाँ पर ख़ुद विज़िट कर सकते हैं इस जगह का, या फिर इनकी हेल्प अगर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सदका जारी है। अगर आपकी वजह से ये हमारी माएँ बहनें रोज़ा रखेंगी, रोज़ा अफ्तार करेंगी, तो सारी ज़िंदगी आपको दुआओं में याद रखेंगी। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना।
में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खास।